हेलो व्यूअर्स, ग्रीटिंग्स फ्रॉम डॉक्टर सुरेश जैन। आप देख रहे हैं चाइल्ड केयर विद डॉक्टर सुरेश जैन, जिसमें आपकी जानकारी व जागरूकता बढ़ाने के लिए आज के वीडियो का टॉपिक है, घर में एक के कोरोना होने पर बच्चों को व अन्य को हम कैसे बचाएं? हाउ टू प्रोटेक्ट किड्स एंड अदर्स व्हेन वन फैमिली मेंबर इज कोविड पॉजिटिव। कोरोना वायरस एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे में बहुत आसानी से फैल रहा है और इस बार दूसरी लहर में बच्चों में भी बहुत ज़्यादा फैल रहा है। हजारों की संख्या में बच्चे इन्फेक्टेड हुए हैं, उनमें लक्षण भी दिखाई दे रहे हैं, उनको हॉस्पिटलाइज भी किया जा रहा है और उनमें डेथ भी हो रही है। इसीलिए इन कारणों से इस बार पेरेंट्स कुछ ज़्यादा ही चिंतित हैं। और ऐसी परिस्थिति में जब घर में ही किसी के कोरोना हो जाए तो हम बच्चे को और अन्य मेंबर्स को कैसे बचाएं? आज के इस वीडियो में हम तीन तरह की सिचुएशंस की चर्चा करेंगे। पहला, घर में कोई भी कोरोना से अफेक्टेड नहीं है। सेकंड, घर में किसी बड़े के कोरोना हो गया है। और थर्ड, घर में एक बच्चा कोरोना अफेक्टेड है। सो लेट अस गेट स्टार्टेड। पहली सिचुएशन, जब घर में अभी तक किसी के भी कोरोना नहीं हुआ है या प्रेजेंटली कोई भी कोरोना अफेक्टेड नहीं है, ऐसे हालात में घर के हर मेंबर को हर तरह के प्रिवेंटिव मेजर्स का पालन करना है। जितने भी घर में वैक्सीनेशन के लिए एलिजिबल लोग हैं, बिना किसी देरी के उनको वैक्सीनेशन लगवा लेना चाहिए। जैसे जैसे वैक्सीनेशन का कवरेज बढ़ेगा, हर्ड इम्यूनिटी आएगी और हम सभी को उसका फ़ायदा मिलेगा। बच्चों में वैक्सीनेशन अभी लगने में कुछ महीनों की देरी है। वैक्सीनेशन के अलावा अभी तक कोई भी मेडिसिन रोकथाम के लिए अप्रूव नहीं की गई है, कृपया इनका व्यवहार नहीं करें। जब तक नेचुरल इन्फेक्शन या वैक्सीनेशन से हर्ड इम्यूनिटी नहीं बनती है, तब तक बीमारी से हमको बचना है। इससे बचने के लिए हमको कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर्स जो हैं, जिनको हम सोशल वैक्सीन भी कहते हैं, उनका पालन करना बहुत ही एसेंशियल है। हमें बच्चों को भी कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर्स कैसे पालन करना है, इस बात की जानकारी देनी चाहिए, उनको सिखाना चाहिए। जहाँ तक हो सके घर से बाहर नहीं जाए। हम जितने कम लोगों से मिलेंगे और जितने कम समय के लिए मिलेंगे, उतना ही हम कोरोना से बच सकते हैं। अगर निकलना ही पड़े तो अच्छी क्वालिटी का अच्छी तरह से मास्क पहन करके ही निकलना चाहिए। 2 साल से बड़े जितने भी बच्चे हैं, उनको भी बाहर जाने पर मास्क पहन करके ही जाना है। मास्क की साइज़ प्रॉपर हो, वह नाक और मुँह को ढके और मास्क को टच नहीं करना है और मास्क कभी भी किसी दूसरे के साथ में शेयर नहीं करना है। अगर हम किसी से भी मिलते हैं तो कम से कम 6 फीट की दूरी हमें बनाई रखनी है। हम अगर बाहर जाते हैं, किसी को अभिवादन करते हैं, ग्रीट करते हैं, तो नो हग, नो किस, नो हैंडशेक, नो हाई फाइव्स, सिर्फ नमस्कार और हैंड वेव से ही काम चलाना है। किसी भी वस्तु व सरफेस को हमें टच नहीं करना है। अगर टच कर ले तो अपने हाथों को धोना है या सैनिटाइज करना है। सैनिटाइज करने के लिए हमको कम से कम 60% एल्कोहल युक्त सैनिटाइजर का ही प्रयोग करना है। भीड़ में नहीं जाएं, नो पार्टीज, नो गैदरिंग्स। हम वॉक के लिए जा सकते हैं, लेकिन मास्क पहन करके जाना है और दूसरे से दूरी बनाए रखनी है। बच्चे दूसरों के साथ में बाहर जाकर नहीं खेलें, इसके चीज़ का हमको ध्यान रखना है। अगर हम क्लोज स्पेस में रहते हैं तो वहाँ पर पूरा वेंटिलेशन हो, इस बात का ध्यान रखना है, खिड़कियाँ वहाँ पर खुली हुई हो। हर जगह हमें स्वच्छता का पालन करना है। जब हम बाहर से घर वापस आए तो हमको शूज़ व सैंडल्स घर के बाहर ही खोल देना है, अपने हाथों को धोना है, कपड़े चेंज करना है, उसके बाद में ही अन्य लोगों से मिलना है। अगर हम अपने साथ में कुछ सामान लाए हैं तो विधि के अनुसार उनको डिसइंफेक्ट करना है। खाने से पहले, टॉयलेट यूज़ के बाद,
चेहरे को छूने से पहले, किसी भी सरफेस व वस्तु को छूने के बाद हमारे हाथों को हमको धोना है या अल्कोहल से सैनिटाइज करना है। हैंड वॉश साबुन व पानी से करने पर कम से कम 20 सेकंड के लिए करना है। हाथ के सभी पार्ट, पीछे, सामने, अंगुलियां, अंगूठे, सब को साफ करना है। हैप्पी बर्थडे सॉन्ग अगर दो बार गाया जाए तो इसमें करीब करीब 20 सेकंड का समय लगता है। सैनिटाइजर अल्कोहल बेस्ड हो, 60% उसमें कम से कम अल्कोहल हो, और ध्यान रखें वो आँखों में बिल्कुल भी नहीं जाए। सभी बीमार व्यक्तियों से हमें दूरी बना करके रखना है। जब भी छींके या खांसे तो अपनी कोहनी में छींके या खांसे, या फिर टिश्यू पेपर व्यवहार करें जिसको प्रॉपर वे में डिस्पोज करें। घर के हर हिस्से को रोजाना साफ करना चाहिए जिससे वहाँ पर जर्म्स अपना अड्डा नहीं जमा सके। घर की जितनी भी हार्ड सर्फेसेज हैं उनको हम ब्लीच सॉल्यूशन से या हाइपोक्लोराइट सॉल्यूशन से साफ कर सकते हैं। हेल्दी फूड खाना है, साउंड स्लीप लेना है, योगा और एक्सरसाइज करना है जिससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ी रहे। ज़रूरत के अनुसार गुनगुना पानी पीना, कुल्ला करना, गरारे करना, हल्दी दूध पीना, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी का सेवन करना यूज़फुल है, लाभप्रद है, किया जा सकता है। सेकेंड सिचुएशन है कि घर के किसी बड़े के कोरोना हो गया है, ऐसे हालात में हम क्या करें। ऐसे में घर के सभी लोगों को कोरोना एप्रोप्रिएट जो बिहेवियर्स है उनका कड़ाई से पालन करना है। रोगी को एक रूम जिसमें बाथरूम हो उसमें आइसोलेट करना सबसे अच्छा विकल्प है। बाकी सभी मेंबर्स उनसे दूर रहें, उनसे एक डिस्टेंस मेंटेन करके रहें और उनके डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आए। अगर यह चीज़ पॉसिबल नहीं है तो रोगी को हर समय सोने व खाने के समय के अलावा मास्क पहन करके रखना है, और ये मास्क ट्रिपल लेयर मास्क होना चाहिए, और उनको सभी से 6 फीट का दूरी बना करके रखना है। अपनी व्यक्तिगत चीज़ों को छोड़कर अन्य चीज़ों को नहीं छूना चाहिए। उनके द्वारा यूज किए गए जितने भी डिस्पोजेबल आइटम्स हैं उनको ढक्कन वाले डस्टबिन में डिस्पोज कर देना चाहिए, और उनके द्वारा जितने भी रीयूजेबल आइटम्स हैं उनको एक मुंह बंद प्लास्टिक बैग में रख देना चाहिए जिसको समयानुसार डिसइंफेक्ट बाद में किया जा सकता है। रोगी के साथ में कभी भी फूड, ड्रिंक्स आदि शेयर नहीं करें। घर का वेंटिलेशन बहुत अच्छा रखें, खिड़कियां वगैरह खुली रखें। रोगी के बाथरूम यूज़ करने के बाद बाथरूम को डिसइंफेक्ट जरूर करें। घर की हार्ड सर्फेसेस को प्रतिदिन ब्लीच सॉल्यूशन से या हाइपोक्लोराइट सॉल्यूशन से साफ करें। अगर घर में एक भी मेंबर को कोरोना हो जाता है तो घर के बाकी सभी मेंबर्स को अपना कोरोना टेस्ट करवाना चाहिए। सभी के स्वास्थ्य की मॉनिटरिंग रोज़ होनी चाहिए। हार्ट रेट, टेम्परेचर और ऑक्सीजन, और कोई भी अगर नया सिम्टम्स आया हो तो इसकी नज़र रखनी चाहिए। अगर कोई भी सिम्टम आता है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए, उसी अनुसार टेस्ट करवाइए और ट्रीटमेंट करवाइए। आइसोलेशन का जब पीरियड उनका ख़त्म हो जाए तो हमको पूरे घर को एक बार सैनिटाइज करवा लेना चाहिए। अब हमारे पास में थर्ड सिचुएशन है कि घर में एक बच्चा कोरोना अफेक्टेड हो गया है, ऐसे हालात में हम क्या करें। यह सिचुएशन घर वालों के लिए थोड़ी मुश्किल भरी है क्योंकि बच्चा हर बात को मानता नहीं, और ऐसे में बीमारी का बाकी सब पे फैलने का डर बना रहता है। अगर बच्चा बड़ा है, समझदार है, तो उसे भी हम एक रूम में आइसोलेट कर सकते हैं जैसे बड़ों को करते हैं। लेकिन अगर बच्चा छोटा है तो अच्छा यही है कि उसे एक रूम में कन्फाइन कर दिया जाए जिससे कि वह अन्य एरियाज में जाए नहीं और अन्य वस्तुओं को छुए नहीं। अगर बच्चा अकेले रहने लायक नहीं है तो उसके रूम में किसी न किसी एक घर के मेंबर को केयर टेकर बन के रहना पड़ेगा, सभी सावधानियों के साथ। अगर बच्चा ब्रेस्टफीड है तो नेचुरली है कि केयर टेकर उसकी माँ ही होगी। अगर घर में कोई दूसरा भी कोरोना पॉजिटिव है तो बच्चे के साथ वो रूम शेयर कर सकते हैं।
अन्यथा किसी और मेंबर को केयर टेकर के हिसाब से रहना पड़ेगा। अगर बच्चा 2 साल से बड़ा है तो उसको मास्क पहनना चाहिए। केयर टेकर को तो मास्क पहनना ही होगा और केयर टेकर मास्क को छुए नहीं, अपने चेहरे को छुए नहीं। अगर छूना ही पड़े तो उसके पहले अपने हाथों को डिसइंफेक्ट करें। जहाँ तक हो सके रूम में भी बच्चे के साथ थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके चले, ग्लोव्स पहन करके रखें, एप्रोन पहन करके रखें। बच्चे को छूने के बाद अपने हाथों को साबुन पानी से धो लें या सैनिटाइज कर लें। रूम का वेंटिलेशन अच्छा हो, खिड़कियाँ खुली रहें। ध्यान रखें बच्चा हर चीज़ को न छुए। अगर बच्चा कोई भी चीज़ को छूता है तो उन चीज़ों को सैनिटाइज करना है। बच्चे के द्वारा जितनी भी चीज़ें यूज की जाती है उनमें जो डिस्पोजेबल है उनको आप कवर डस्टबिन में डालें और जो भी रीयूजेबल आइटम्स हैं उनको एक प्लास्टिक बैग में रख सकते हैं। बच्चा जब भी बाथरूम यूज़ करें तो उसके बाद बाथरूम को डिसइंफेक्ट करें और अपने हाथों को धोएं। हार्ड सरफेसेज को ब्लीच सॉल्यूशन से धोते रहें। अपने पर्सनल आइटम्स फूड व ड्रिंक्स बच्चे के साथ में शेयर नहीं करें। जब आइसोलेशन का पीरियड ख़त्म हो जाए तो उसके बाद में रूम को सैनिटाइज करवा लें। आशा करता हूँ आपके लिए ये वीडियो बहुत यूजफुल रहेगा, बहुत हेल्पफुल रहेगा। आप सभी स्वस्थ रहें, सेफ रहें। आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ में शेयर करिए और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। और अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।